अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आया वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है जेएनयू के एमए इन सोशियोलॉजी प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों मैं यहां बताने वाला हूं आपको इस कोर्स की सारी डिटेल, जो कि आपको एडमिशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं जेएनयू से एमए सोशियोलॉजी करना तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। सारी डिटेल यहाँ से लेके फॉर्म्स भी आ चुके हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ आगे पूरी वीडियो के अंदर, तो प्लीज देखते रहिए। आप आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा आपसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, आप बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप तक मेरी वीडियो के सारे अपडेट्स टाइम पर पहुंचते रहें। तो सब्सक्राइब कर लेते हैं आप तो उससे हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है और हम आपके लिए और बेहतर काम भी कर पाते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका फॉर्म फिल करना है तो 27 जुलाई से फॉर्म्स इसके लाइंस ओपन है, 27 अगस्त तक फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन शाम को 5 बजे तक फॉर्म भर पाएंगे। आप ये मत सोचिएगा शाम, आप रात को 12 बजे तक फॉर्म भर पाएंगे, शाम 27 अगस्त को शाम को 5 बजे तक। लेकिन पेमेंट अगर आप नहीं कर पाए हैं तो पेमेंट आप रात को 11:50 तक कर सकते हैं, फीस पेमेंट जो दोस्तों होगा। दोस्तों जेएनयू बात करता हूं, जेएनयू में जो है फीस एप्लीकेशन फीस सबकी एक सी नहीं होती है, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग फीस होती है। दोस्तों फीस आप सुन लीजिए, कितनी फीस आपको अपने फॉर्म के लिए पे करना होगी। दोस्तों अगर आप एक जनरल कैंडिडेट है तो आपको 530 पे करना होगा। अगर आप दोस्तों आप और आप ईडब्ल्यूएस जब भी आपको 530 पे करना पड़ेगा। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, ओबीसी हैं, then you will have to pay 310 rupees, and if you belong to BPL category then you will have to pay only 65 rupees plus service charges for all the categories। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कितनी सीट्स आपको मिलती है। तो जेएनयू में एमए सोशियोलॉजी में काफी ज्यादा सीट्स हैं, टोटल सीट्स जो है 96 है, जिसको जेएनयू ने पहले से ही अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। दोस्तों मैं बताने वाला हूँ आपको यहाँ पर सीट मतलब किस कैटेगरी में कितनी सीट्स मिलती है। दोस्तों अगर आप एक मतलब जनरल कैंडिडेट है तो जनरल जो दोस्तों कैटेगरी है जनरल, वहां दोस्तों आपको 39 सीट्स मिलेंगी। अगर आप एससी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 14 सीट्स मिलेंगी। अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 7 सीट्स मिलेंगी। अगर आप पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो आपके लिए 5 सीट्स हैं। अगर आप ओबीसी में आएंगे देन यू विल हैव 26 सीट्स, एंड इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी देयर आर 10 सीट्स। दोस्तों यहाँ बात करूंगा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के बारे में, कौन कौन दोस्तों जेएनयू में एमए सोशियोलॉजी में अप्लाई कर सकता है। दोस्तों अगर आपने यहाँ पर बैचलर किया है किसी भी डिसिप्लिन में देन यू आर गुड टू गो फॉर दिस कोर्स। कोई भी ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आपने बैचलर में सोशियोलॉजी पढ़ी होनी चाहिए। किसी भी डिसिप्लिन में, इंग्लिश में, इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में, सिविक्स में, बैचलर कहीं भी बीएससी किया हो कोई मतलब नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन मार्क्स 45% आपके होना चाहिए। दोस्तों बात करता हूँ यहाँ पर अब आपको इसका सिलेबस, सवाल आपको कहाँ से मिलने वाले हैं। दोस्तों सिलेबस आप सुन लीजिए, यहाँ पर आपको जो कुछ थीम्स हैं, कार्ल मार्क्स हैं, एमिली दुर्कीम है, मैक्स वेबर है, जॉर्ज सिमिल है, सी राइट मिल्स है, जॉर्ज हर्बर्ट मेड है, क्लॉड लेवी स्ट्राउस है, एक थिंकर से, इनके बारे में सवाल आपको मिलेंगे। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जी एस घुरिए, एम एन श्रीनिवास, इरावती कर्वे, योगेंद्र सिंह, आंद्रे ये बटील एंड टी के उमेन, इनके बारे में सवाल मिलने वाले हैं आपको। उसके बाद दोस्तों आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, टूल एंड टेक्निक्स ऑफ सर्च एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल चेंज, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जेंडर, कास्ट, क्लास, ट्राइब, डिसेबिलिटी, मतलब दोस्तों स्टेट, पॉलिटी, सोसाइटी, फैमिली, मैरिज, किनशिप, सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन, सोशल मूवमेंट, सोशल इश्यूज, दोस्तों इन सब टॉपिक से आपको आपके टेस्ट में सवाल मिलने वाले हैं। दोस्तों टेस्ट आपका 100 मार्क्स का आएगा, ऑनलाइन होगा, सीबीटी बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं होगी। तो आप बिल्कुल फ्री माइंड से तुक्का मार सकते हैं, तुक्का आपको सिर्फ फायदे देगा, नुकसान आपको नहीं देगा, क्योंकि तुक्का गलत भी हो गया कोई मार्क आपका कटने वाला नहीं है। दोस्तों बात करते हैं फीस के बारे में, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो कितनी फीस आपको पे करना होगा। दोस्तों जेएनयू में सबसे सस्ती फीस है, यहाँ पर आपको एक साल के लगभग आपको लगभग जो है 350 रुपए के अराउंड फीस पे करना होती है। तो ये मैंने आपको बताई सारी डिटेल एमए सोशियोलॉजी जेएनयू। आई होप वीडियो पसंद आपको आई होगी, अगर आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।